shot of all the good stuff. Shining when I wake up. I hear talking. Forgetting you like nobody is watching. Good and moving on, yeah. What's up guys, Sanjot Kir here. Welcome to IFL. बटर गार्लिक चिकन बना रहा हूँ आज. एक स्टार्टर रेसिपी है, सुपर क्विक स्टार्टर रेसिपी, बहुत जल्दी फटाफट घर पे बन जाती है. चिकन को स्लाइसेस में कट करके फिर उसे शैलो फ्राई किया जाता है, हल्का हल्का क्रिस्प हो जाता है, अंदर से एकदम जूसी और सकुलेंट रहता है, और फिर उसे एक बटर गार्लिक सॉस में टॉस किया जाता है और बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी बनती है. एज अ स्टार्टर तो सर्व कर ही सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली बटर नान के साथ खाने में इसे बहुत मज़ा आता है, तो ये रेसिपी आज बता रहा हूँ. इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि चिकन को स्लाइस कैसे करना है. कई सारी जगहों पर क्या होता है कि हम चिकन को कैसे भी कट कर देते हैं और फिर वो रबरी हो जाता है, हार्ड हो जाता है और बराबर से कुक नहीं होता है. तो इसे परफेक्टली स्लाइस कैसे करना है कि अंदर से एकदम जूसी और सक्यूलेंट रहे और परफेक्ट स्लाइसेस हों, और साथ ही में फिर इसे पकाना भी कैसे एकदम परफेक्ट तरीके से, वो आपको बताऊँगा. तो सबसे पहले चिकन को कट कैसे करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया है. चिकन ब्रेस्ट को कट कैसे करना है वो देख लेते हैं. वैसे ना डायगनली आपको नाइफ को रखना है, डायगनली स्लाइस करना है, सेमी थिन आपको स्लाइसेस बनाना है. बहुत ज़्यादा भी पतले मत कर देना, थोड़े से थिक रखना, और इस तरीके से डायगनली आपको ऐसे कट करते जाना है. आप देख सकते हो मैं कैसे चिकन को कट कर रहा हूँ, सेम तरीके से सिमिलर साइज के पीसेस में कट कर रहा हूँ. कोई पीस एकदम छोटा, कोई पीस ऐसे बड़ा एकदम नहीं कर रहा हूँ. सिमिलर साइज के आपको पीसेस कट कर लेने के, इवनली कुक हो जब इन्हें हम फ्राई करें. तो सेम तरीके से अभी मैं 350 ग्राम्स यहाँ पर इस रेसिपी के लिए चिकन ब्रेस्ट को कट कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हो सारा चिकन मैंने कट कर लिया है. इस चिकन को एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए. अब इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून विनेगर यानी कि सिरका, 1/4 टीस्पून लाइट सोया सॉस, एक टीस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालकर आपको अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेना है. सारी चीज़ों को चिकन पे अच्छे से लगा देना है. एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है तब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 अंडे का सफ़ेद हिस्सा निकाल कर इसमें आपको ऐड कर देना है. एग वाइट इसलिए हमने ऐड किया है कि वो सॉफ्टनेस आ जाएगी चिकन में जब आप फ्राई करोगे, और वो कॉर्नफ्लावर से और मैदे से हल्का सा वो एक क्रिस्प कोटिंग आ जाएगा. कोटिंग आपको बहुत हैवी नहीं करनी है, बैटर फ्राई नहीं करना, एकदम लाइट कोटिंग आनी चाहिए. मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कितनी हल्की सी एकदम पतली सी कोटिंग ऊपर आई है. ऐसी ही कोटिंग हमें चाहिए. चिकन हमारा मैरिनेट हो गया. तो चिकन के स्टार्टर्स जब भी हम बनाते हैं ना घर पे, तो चिकन को कट कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब इस रेसिपी में मुझे स्लाइस्ड चिकन जो है वो काफ़ी पसंद है. तो मैंने आपने देखा कैसे स्लाइसेस कट किए हैं चिकन के. जब ऐसे आप स्लाइसेस कट करोगे एकदम फटाफट कुक हो जाएंगे. कुछ ही 1-2 मिनट लगते हैं बस चिकन को फटाफट कुक होने में, और फिर इनके ऊपर जो टेक्सचर भी है ना वो एकदम परफेक्ट आएगा और अंदर से एकदम जूसी और सक्यूलेंट चिकन रहेगा. अगर आप क्यूब्स कट करना चाहते हो तो क्यूब्स भी कट कर सकते हो, बट क्यूब से अक्सर क्या हो जाता है ना घर पे कभी कभी चिकन जो है थोड़ा ड्राई हो जाता है. चिकन ब्रेस्ट एज इट इज़ थोड़ा ड्राई होता है कंपेयर टू चिकन थाइस. तो इस तरीके से स्लाइसेस जब कट करोगे तो चिकन ब्रेस्ट भी जो है एकदम सॉफ्ट जूसी और सक्यूलेंट बनेगा. तो इसी तरीके से चिकन को कट कीजिए. जो मैरिनेट मैंने आपको बताई हल्की सी कोटिंग चाहिए, वो एकदम पकौड़े नहीं बनाने हैं चिकन के, बस हल्का सा टेक्सचर हमें ऊपर देना है इसलिए हमने ये कोटिंग की है, वैसी ही कोटिंग आप दीजिए. अब चिकन को हम मैरिनेट तो कर चुके हैं, अब इन्हें फ्राई कैसे करना है, इन्हें पकाना कैसे वो देख लेते हैं. एक फ्राई पैन के अंदर 4-5 टेबलस्पून आप तेल ऐड करके तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए. तेल गरम होना चाहिए, ठंडे तेल में चिकन को मत डालिए, अच्छे से तेल को गरम कर लीजिए. तेल एकदम अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें आपको चिकन को ऐड करना है. तो इस तरीके से स्लाइसेस जो हैं चिकन के उन्हें ऐड कर दीजिए. हाई फ्लेम पर ही आपको पकाना है, चिकन को बहुत ज़्यादा स्टर करने की ज़रूरत नहीं है. एक साइड से पहले पका लीजिए, लगभग 1-1.5 मिनट लग जाएगा, या जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है आपका चिकन का एक साइड से, तब तक चिकन को हाई फ्लेम पर पका लीजिए. एक बार एक साइड से चिकन ने कलर पकड़ लिया है तो चिकन को आपको टर्न कर देना है. हाई फ्लेम पर गरम तेल में इसलिए कुक करना है कि चिकन जो है वो जल्दी कुक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए. तो आपका जो चिकन है ना वो एकदम जूसी, सॉफ्ट और सक्यूलेंट रहेगा अंदर से. तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए. तो आप देख सकते हो दूसरे साइड से भी चिकन ने कलर पकड़ लिया है. एक बार चिकन आपका इस तरीके से पक जाए, इसको बहुत ज़्यादा और फर्दर कुक नहीं करना है, इसे आपको निकाल लेना है. निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर देना है कि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए. सेम तरीके से बाकी चिकन को भी आप फ्राई कर लीजिए. तो आप देख सकते हो चिकन हमने सारा फ्राई कर लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी हमें सॉस तैयार करनी. तो चिकन को जब भी हम कुक करते हैं ना, ऐसे बोनलेस चिकन ब्रेस्ट को जब भी कुक करते हैं और ऐसे शैलो फ्राई करते हैं या डीप फ्राई करते हैं, तो इन्हें आपको एकदम हाई फ्लेम पर कुक करना है कि जल्दी से चिकन पक जाए. बहुत ज़्यादा जब भी समय लगता है चिकन को पकने में तो धीरे धीरे मॉइस्चर लूज़ कर देता है और अंदर से चिकन ड्राई हो जाता है.
तो ये चीज़ का ध्यान देना है। दूसरी बात ये है कि अगर हाई फ्लेम पर गर्म तेल में नहीं डालोगे ना तो वो टेक्सचर नहीं आएगा बाहर, जो कोटिंग है ना वो तेल पी जाएगी और वो थोड़ा सा चिकन जो है एकदम बाहर बाहर से भी सॉफ्ट रहेगा। तो हल्की सी अगर क्रिस्पी आपको कोटिंग बाहर चाहिए, हल्का सा वो लेयर चाहिए और वो कलर चाहिए, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब सॉस के लिए हमारी मेन एक ही इंग्रेडिएंट है जो है गार्लिक, जो लहसुन है। लहसुन को हमें मोटा मोटा चॉप करना है और ये रेसिपी के लिए ना लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि बटर गार्लिक सॉस बना रहे हैं। तो मैं यूजुअली एक चॉपर लेता हूँ, उसमें चॉप कर लेता हूँ। वो चॉपिंग का प्रोसेस कैसा है वो देख लेते हैं और सॉस कैसे बनानी है वो भी देख लेते हैं। तो लहसुन को चॉप करने के लिए मैंने ऐसे एक वो स्ट्रिंग वाला चॉपर ले लिया है, एकदम सिंपल वाला। उसमें यहाँ पर मैं 1/3 कप लहसुन की कलियाँ ऐड कर रहा हूँ। आप 2 पूरे जो लहसुन के बल्ब्स होते हैं उनको छील लीजिए, वो भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन खूब सारा लेना है, बस अभी मोटा मोटा लहसुन को आपको चॉप कर लेना है। मैं बस स्ट्रिंग चॉपर में इस तरीके से फटाफट चॉप कर रहा हूँ, काम एकदम आसान हो जाता है, चॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ही सेकेंड्स में लहसुन चॉप हो जाता है। तो आप देख सकते हो लहसुन को मैंने कैसे मोटा मोटा रखा है, एकदम बारीक नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मोटा मोटा रखिए। गार्लिक हमने चॉप कर लिया है, अब सॉस कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। एक वॉक ले लीजिए, वॉक को बहुत गर्म नहीं करना है, इसमें पहले ही आपको बटर डाल देना है। तो 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर बटर डाल दीजिए। वॉक को हमने गर्म इसलिए नहीं किया है कि बटर जो है ना हमारा स्टार्टिंग में ही जल जाएगा। बटर को बस आपको मीडियम फ्लेम पर मेल्ट कर लेना है, एक बार बटर मेल्ट हो जाए तब इसमें लगभग 4 से 5 टेबलस्पून आपको गार्लिक इसमें ऐड करना है। गार्लिक के बाद इसमें 2 हरी मिर्ची चॉप करके ऐड कर दीजिए। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने धनिए की डंटल ली है, जो धनिए का स्टेम होता है उसे चॉप कर लिया है। इसके अलावा आपको सेलरी मिल जाए तो सेलरी चॉप करके डाल दीजिए, उसका भी जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अब बस 2 से 3 मिनट के लिए आपको लहसुन को पका लेना है। लहसुन जो है आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पकाना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन टाइप हो जाए, बस उतना ही पकाइए। जब आप इसको एकदम भून लेंगे ना, एकदम ब्राउन कर लेंगे, तो गार्लिक का फ्लेवर चेंज हो जाता है, वो बटर गार्लिक सॉस में जो फ्लेवर चाहिए गार्लिक का वो नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से लहसुन को पका लिया है। इस स्टेज तक आपने एक बार पका लिया है, तब इसके अंदर आपको 150 ml गर्म पानी ऐड करना है। सॉस बनाने के लिए पानी हमने ऐड कर दिया है, अच्छे से इसे स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद इसमें 1 चुटकी नमक डाल रहा हूँ, नमक बटर में भी होता है तो ध्यान देना है। साथ ही में 1/4 teaspoon लाइट सोया सॉस, 1/4 teaspoon विनेगर, 1/4 teaspoon काली मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी शक्कर डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको अच्छे से स्टर करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। नमक मैंने जैसे आपको बताया बटर में भी होता है, सोया सॉस में भी होता है, तो लास्ट में आप टेस्ट करके नमक एडजस्ट कर सकते हैं। तो सॉस को थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च की स्लरी बनानी है, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ले लिया है। उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छे से एक स्लरी बना लीजिए। स्लरी को धीरे धीरे ऐड कीजिए, एक साथ मत ऐड कीजिए, थोड़ी सी स्लरी डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपकी सॉस गाढ़ी हो जाएगी तो और स्लरी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बस सॉस को इस तरीके से आपको बना लेना है, ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। सॉस हमारी गाढ़ी हो चुकी है। एक बार सॉस आपकी तैयार हो जाए तो इसमें जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो चिकन को ऐड कर दीजिए। 1 teaspoon नींबू का रस। अब इसमें लेमन जेस्ट ऐड करें, जो नींबू का छिलका होता है ना उसे ग्रेटर की मदद से इस तरीके से आपको ग्रेट करके ऐड करना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खाली ध्यान ये देना है छिलका ग्रेट करते समय जो अंदर का सफ़ेद हिस्सा होता है वो मत डालिए, उससे कड़वा टेस्ट आ जाता है। और खूब सारा स्प्रिंग अनियन इसमें आपको जो हरे पत्ते और थोड़ा आगे का भी हिस्सा है वो चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फटाफट आपको टॉस कर देना है, हाई फ्लेम पर ही फटाफट टॉस कर लीजिए कि जो सॉस है वो अच्छे से कोट कर ले चिकन को और चिकन और सॉस एक साथ आ जाए। सारी चीज़ों को बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पर टॉस कर लिया है और ये हमारा बटर गार्लिक चिकन रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाईफल स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस स्टार्टर रेसिपी है चिकन की, और अगर आपको गार्लिक पसंद है और ऐसे सिंपल तरीके से कोई स्टार्टर बनाना है जिसमें बहुत सारी सॉसेस भी नहीं है तो ये वाला आप स्टार्टर बना सकते हो, बहुत डिलिशियस लगता है। और आपने देखा मैंने लास्ट में नान के साथ खाया, एक बार नान के साथ खा के भी देखो,
बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। अगर आपको चिकन को डीप फ्राई नहीं करना है तो और एक तरीका है, आपने एक बार मैरिनेट कर लिया ना चिकन को, चिकन को मैरिनेट करने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के एक नॉन स्टिक पैन पे या एक ग्रिल पैन पे चिकन को ग्रिल भी कर सकते हैं, ग्रिल करने के बाद भी आप टॉस कर सकते हैं, वो भी चिकन खाने में बहुत मज़ा आता है। सेम टेक्निक अप्लाई करनी है, हाई फ्लेम पर कुक कीजिए एक साइड पे, पलटा कर दूसरे साइड पे, एक बार वो थोड़े से मार्क्स आ जाए आपके चिकन के ऊपर, चिकन पक जाए तो आप सॉस में से टॉस कर सकते हो। तो जल्दी बनाओ ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसे लगी ये रेसिपी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल चिकन स्टार्टर रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।